रामनवमी जुलूस के बाद बिहार शरीफ में हिंसा, मुस्लिम बीजेपी नेता का ही शोरूम लूट लिया गया। बिहार में रामनवमी के दिन शुरू हुई हिंसा से अब भी तनाव का माहौल है। एक दिन बाद भी नालंदा और सासाराम में झड़प हुए। पुलिस ने दोनों जिलों से 45 लोगों को हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया है। हिंसक झड़प और तोड़फोड़ के बाद दोनों जिलों में अब भी धारा 144 लागू है, यानी किसी जगह 4 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। प्रशासन ने जिले में किसी भी तरह के जुलूस, धरना या प्रदर्शन पर रोक लगा दिया। दोनों जिलों में अब भी पुलिस की टीम कैंप कर रही है। हिंसा के बाद 2 अप्रैल को सासाराम में होने वाली अमित शाह की रैली भी रद्द कर दी गई। नालंदा के बिहार शरीफ में 31 मार्च को रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई। नालंदा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला भी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक नालंदा के लहरी थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच झड़प हुई। 31 मार्च को गगन दीवान इलाके से यात्रा निकल रही थी। इसी दौरान किसी बात पर 2 गुटों में बहस शुरू हुई। बहस ने ऐसा रूप लिया कि भीड़ बेकाबू होकर पत्थरबाजी करने लगी। गाड़ियों में आग लगा दी गई, यहां तक कि फायरिंग भी शुरू हो गई। गोलीबारी में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मामला यहीं नहीं रुका, रैली में हिंसा के बाद लोगों ने दुकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बिहार शरीफ मेन मार्केट में जावेद आजम और हैदर आजम की दुकान है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार हिंसा करने वालों ने उनकी दुकान में तोड़फोड़ की और तकरीबन 3.5 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक सामानों को लूट लिया। जावेद आजम का भाई हैदर आजम बीजेपी से जुड़ा है। उनकी दुकान का उद्घाटन बीजेपी नेता मंगल पांडे ने किया था। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। मैं इस घटना की जानकारी देते हुए खुद बीजेपी नेता हैदर आजम ने भी ट्वीट कर लिखा, कल शाम 5 बजे बिहार शरीफ जिला नालंदा बिहार के मेरे डिजिटल दुनिया मॉल पर अज्ञात लोगों ने हमला करके सारा माल लूट लिया। मुंबई में रहने के बावजूद बिहार के लोगों को रोजगार देने हेतु हमने वहां कारोबार शुरू किया। इस प्रकार के हादसे को देखकर कौन आएगा बिहार में काम करने। मैं इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए पत्रकार विनोद कापड़ी ने ट्वीट कर लिखा, रामनवमी हिंसा के बाद बिहार शरीफ में बीजेपी के ही मुस्लिम नेता और कारोबारी हैदर आजम का शोरूम लूट लिया गया। इस घटना की वीडियो शेयर करते हुए पत्रकार वसीउद्दीन सिद्दीकी ट्वीट करते हुए लिखते हैं, ये वीडियो बिहार शरीफ में बीजेपी के मुस्लिम नेता हैदर आजम साहब के शोरूम का है, जिसे उपद्रवियों ने रामनवमी हिंसा के बाद लूट लिया। शायद आपदा में अवसर इसी को कहते हैं। इस पर एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, सबसे दुखद ये है कि चोरी करने वाले बहुत से लड़के महज 16 से 20 साल के हैं। अधिकतर लड़के देश के युवा किस गर्त में जा रहे हैं। माँ बाप पढ़ाई लिखाई को लात मारकर धार्मिक उन्माद में मस्त हैं। एक यूजर लिखते हैं, कैसे ये छोटे छोटे बच्चे लूटपाट मचा रहे हैं, काश इनके माँ बाप ने इन्हें सही तालीम दी होती। आपको बता दें, हिंसा के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर करवाया गया। सीएम ने 1 अप्रैल को मीडिया से बात करते हुए कहा, दुख की बात है, हमें कल जैसे ही पता चला अलर्ट होकर तेजी से काम किया गया। उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये किसी ने जानबूझकर किया है। हमने कहा कि इस बारे में पता लगाया जाए। वहीं बिहार पुलिस का दावा है कि दोनों जिलों में स्थिति अब पूरी तरह सामान्य हो गई है। पुलिस ने लोगों से किसी तरह के अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।